गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले क्लास में आपको संज्ञा के विकार के बारे में समझा रहा था, और मैंने आपको कुछ टॉपिक इसी पाठ के पाठ में से मैंने आपको समझाया था। तो संज्ञा के विकार समझने से पहले आपको संज्ञा के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। संज्ञा मतलब किसी भी प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और विकार का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा के विकार का मतलब है संज्ञा में परिवर्तन। तो संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं उनका रूप बदलता है। तो देखिए नीचे क्या लिखा है कि संज्ञा शब्दों का रूप बदलता, बाल बालिका बालक, इसका कारण जानो भाई, लिंग वचन और कारक। मतलब संज्ञा के परिवर्तन होते हैं, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होते हैं, संज्ञा बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं, उसी के कारण के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विकार, तो संज्ञा के विकार जो कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा के विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन होते हैं या उनका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का शब्द कभी लड़के कभी लड़कों ने आदि में बदल जाता है। आप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा के बदलने या परिवर्तन के कारण इन शब्दों को हम विकारी शब्द भी कहते हैं। किनको, संज्ञा शब्द को, क्योंकि ये बदलते हैं और विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अब संज्ञा में विकार आने वाले शब्दों को विकारी तत्व कहते हैं। संज्ञा शब्दों में विकार तीन कारणों से होते हैं। पहला है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा है कारक। तो आज हम जानेंगे लिंग के कारण संज्ञा में परिवर्तन कैसे होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिंग बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे माली पौधों में पानी दे रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है। तो यहाँ पर माली था जो कि एक पुरुष है, वह पौधों में पानी दे रहा है। तो माली के साथ क्या है, दे रहा है। वहीं जब एक मालिन पानी दे रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मालिन पानी दे रही है या मालिन फूल तोड़ रही है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से रहा है रही है में चेंज हो जाता है। दूसरे उदाहरण में है लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों में पुरुष जाति का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे चाचा पापा नौकर राजा हिरन पेड़ पहाड़ आदि। और पुल्लिंग की पहचान हम जिन शब्दों के अंत में आ अख पा पन और न आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे बच्चा सेवक बुढ़ापा लड़कपन उड़ान आदि। तो इस तरह से हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। अब कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्राणी जगत में खरगोश कौवा बाज भालू मच्छर आदि। उसी प्रकार अप्राणी जगत में पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, शहरों के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़ों के नाम, इमली को छोड़कर ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर, पानी छाता दूध सेब गुस्सा सुख आदि, ये सभी पुल्लिंग में ही समा जाता है। अब स्त्रीलिंग के बारे में क्या लिखा है, देखिए जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चाची माँ नौकरानी कुर्सी चिड़िया नदी आदि। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे की जा सकती है, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई इया आ आवट नी आनी आयन आइन ता और इन लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दवाई गुड़िया सूता वसावट शेरनी देवरानी पंडिताइन मित्रता मालिन आदि। तो इस तरह से हम स्त्रीलिंग का पहचान कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, तो स्त्रीलिंग है। और कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ संज्ञा शब्द जो कि सदैव पुल्लिंग रहते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे भी संज्ञा शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्राणी जगत में
मक्खी, कोयल, मछली, मकड़ी आदि। उसी प्रकार अप्राणी जगत में नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी की तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, बारिश, मेज़, चाय, लीची, घबराहट, गर्मी आदि, तो ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो आज हमने लिंग के बारे में बहुत कुछ जाना, किस तरह से हम पुल्लिंग को पता लगा सकते हैं, स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं, उनके भेद। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, और अगर कुछ आपको समझ में ना आए, डाउट हो, तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।